हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। पीबीआर स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं राजकुमार यदुवंशी आपकी डीएलएड की क्लास लेकर के, इस क्लास को पूरा देखना, समझाने की 100% गारंटी। जी हाँ, पहली बार आपने देखा होगा कहीं 100% गारंटी वाली क्लास। चलिए, घातांक की अवधारणा हम लोग पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ पावर। ये चैप्टर का नाम है डीएलएड की, आज की आपकी थर्ड सेमेस्टर की पहली क्लास है। हमने चैप्टर स्टार्ट किया घातांक वाला, ठीक है। पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर आपके बुक में चाहे जो होगा उससे नहीं मतलब है, एक एक पार्ट पढ़ते चलना है, ठीक है। तो घातांक का चैप्टर पूरा करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट ऑफ पावर। जैसे अगर 3 की घात 5 और 3 का घात 2 लिखा है, इसका मान अगर पूछा जाए तो क्या आएगा, ये सभी सवाल आप कर ले जाओगे ना। इधर देखना, देखिए घात का मतलब होता क्या है। जैसे अगर 2 का 2 में गुणा करें तो क्या आता है, 4 आता है, यानी 2 2 जब 4 आता है, होता है ना। उसी तरह से अगर 2 की पावर आप 2 कर दो इक्वल, तब भी क्या आएगा, 4 ही आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें क्या अंतर है। देखिए इसमें अंतर ये है, घात के रूप में लिखने पर आप कम जगह में ज़्यादा बातें लिख सकते हैं। देखो 2 गुणा 2 लिखा तो इतना जगह लिया था, और 2 की घात 2 बराबर 4 लिख दिया, देखो थोड़ी जगह में हो गया, है ना। इसको अगर इस तरह से हम लिखें तब भी देखो आ गया 4, बात वही हुई ना। मतलब समझना, एक प्रकार से किसी भी संख्या के गुणनखंड को संक्षिप्त रूप में लिखने की क्रिया को क्या कहते हैं, घातांक कहते हैं या घात कहते हैं। जैसे अगर हमने लिखा है 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, अब जरा गिनना, काउंट करना, कितनी बार है, 3 2 5 बार है ना। तो चाहे ये लिखिए 5 बार और चाहे ये 3 की घात 5 लिख दीजिए, दोनों का मतलब एक हुआ, समझना। अब नीचे 3 की पावर 5 कर दिया, कितना छोटा में और कितनी कम जगह में आ गया ना, लेकिन ऊपर 3 3 3 कितना बार लिखा, 5 बार लिखा, कितना ज़्यादा जगह में आया। अगर इसका मान निकालोगे टोटल तो 3 3 का 9 3 27 3 81 3 1 3 3 8 24 243 आएगा, और इसका भी मान 243 ही आएगा। तो बताओ ये लिखना ज़्यादा अच्छा रहेगा कि ये, भाई आजकल ज़माना जो हाईटेक हो रहा है तो हम छोटी सी छोटी जगह में ज़्यादा से ज़्यादा बातें को दिखाना चाहेंगे ना। तो ये हुई घात की जो मूल विधि, यानी कि एक प्रकार से बेसिक मतलब हुआ, आप समझ गए कि घात होती क्या है, घातांक होता क्या है, इसको लिखते क्यों हैं। लेकिन इसमें बहुत सारे लफड़े भी होते हैं, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। हाँ, ये होता है a की पावर m इंटू a की पावर n, ये सूत्र होता है घातांक का। तो ये हो जाता है a की पावर m प्लस n, इसे कहते हैं गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं। क्या होता है, गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं जब बेस समान हो, ए ए, यानी कि ये देखो ऐसे है ना, तो घातें जुड़ जाती हैं, मतलब 3 की घात ये 5 और 2 जुड़ के 7 हो जाएगा आंसर। बात समझ में आया। उसी तरह से आप इसको भी करोगे इसी फार्मूले पर, तो 2 की घात क्या होगा 9 प्लस 7 इक्वल 2 की घात 16। देखो इसमें हमने एक लाइन और बढ़ा दिया, जोड़ करके भी दिखा दिया अलग से, है ना। दूसरा इसी में एक फार्मूला होता है सेम टू सेम, ऐसे गुणा करने पर घातें घट जाती, उसका जिन लोगों ने नहीं लगाया वो लगा लेंगे, थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके रोक लेना, टॉपिक और बातें पूरा होने के बाद वीडियो को पीछे करके रोक रोक के आप लोग लिखिए, ठीक ना। तो ये हो जाएगा m माइनस n, इसको कहते हैं कि भाग करने पर घातें घट जाती हैं, यानी कि ये 13 की घात 5 माइनस हो जाएगा 2 इक्वल 13 की घात का हो जाएगा 3। उसी तरह का 138 की घातें 15 माइनस 5 इक्वल 138 की घातें कितना 10। मतलब अब आपने यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट समझ लिया कि जब बेस बराबर हो, आधार बराबर हो, तो भाग करने पर घातें घट जाती हैं एवं गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं। इसको लिख लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर रोक करके लिखिए, हो गया, जल्दी करें फास्ट, और क्लास छोड़ के मत जाना, समझाने की गारंटी होगी अगर टाइम दोगे तो, नहीं टाइम दोगे तो फिर जा सकते हो आराम से, बहुत सारी कोचिंगें हैं, बहुत सारी जगह है, ठीक ना। तो अगर क्लास को पूरा देखेंगे, रेगुलर देखेंगे, तो मैं आपको बता दूँ कि जो पीवीआर स्टडी के आपके स्टूडेंट्स हैं वो पूर्णांक भी पाते हैं डीएलएड में, 25/25 कई परीक्षाओं में कई बार और कई स्टूडेंट ने हासिल किया है। आगे देखना,
अब इतना तो मैंने बता दिया, अब इतने से काम नहीं बनने वाला है। 13 की घात 5 और 2 की घात 7 और 13 की घात जो है 2, इसको भी अभी एक जैसा करो। अभी हम आगे बताएंगे जब बेस अलग अलग होता है। पहले एक पर तो देख लो ना, बी वाला 9 की घात 7 गुड़ा ये 9 की घात 5। सी वाला ये आपके लिए होमवर्क है, कुछ लोग डर रहे होंगे तो मैं 3 वाला भी बता दूंगा अभी। 13 की घात 2 गुड़ा 13 की घात 1। डी वाला 12 की घात 7 गुड़ा 12। और ई वाला 3 की घात 91 3 की घात 92 और 3 की घात 9। ये होमवर्क है आप लोगों के लिए, कर लोगे ना? अरे इसमें बहुत आसान है जी, देखो ये 13 की घात जोड़ दो 5, फिर 7 फिर 2 इक्वल 7 5 12 2 14, 13 की घात 14 उत्तर हो गया। है ना आसान? ये होमवर्क है लगाने के लिए आप लोगों को, इसको हल करके दिखाना। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया? वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट लिया करिए, मैं आगे से हट के बोलता हूँ आपको। चलो ठीक है, 2 की घात 7 2 की घात 9 और 2 की घात कुछ नहीं, यफ की बात जी, 131 घाते 5 भागे 131 की घाते 5, इसको जो बता ले जाएगा ना यफ के बाद जी वाला, समझ लो बहुत बहादुर है वो। एच 100 का लिखते हैं इस पे 49 घाते 5 डिवाइड बाई 149 घाते 2 और फिर डिवाइड बाई 149 घाते 3। हल करके दिखाना इन सभी सवालों को, नहीं करोगे तो बहुत गड़बड़ है जान लो। हल करके कमेंट करना इस वीडियो में, सारा आंसर नोट कर लिए। ये कॉन्सेप्ट हमने आपको सिखा दिया, इसलिए क्वेश्चन दिया घर के लिए। आगे बढ़ते हैं अगर हो गया इतना तो। चलिए ठीक है, ओके, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। अगला कॉन्सेप्ट समझना, अगला सूत्र पर ध्यान से देखना। देखिए पहले तो आपको बता दें कि DLED का जो ऑनलाइन क्लास का टाइम होता है 4:30 एवं 4:30 से होता है PVR स्टडी इलाहाबाद चैनल पर, यानी कि बड़े चैनल पर। छोटे चैनल यानी कि PVR स्टडी ग्रुप पर ये क्लास आप रात्रि 9:30 एवं 10:15 से देख सकते हैं, सेम टू सेम वही क्लास होगी। एक दूसरा कॉन्सेप्ट है 1/(a^n) = (a^n)। इस कॉन्सेप्ट का मतलब समझना, यानी कि अगर कोई संख्या घात के रूप में लिखी है और वो बटे में घात है तो वो माइनस में होगी और फिर बाद में क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। या फिर अगर a^n है तो उसको अगर नीचे लाएंगे बटा के रूप में तो घात जो है माइनस हो जाएगी। कैसे, ज़रा ध्यान से देखना। जैसे 1/(3^-5) है ना, अगर ये ऊपर जाएगा तो 3^ क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसको यहाँ से भी समझ लेना, जैसे अगर 5^7 दिया है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/(5^-7)। मतलब समझना ये घातांक का बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक ना? इसलिए ध्यान से समझना, टेंशन बिल्कुल मत लेना। अब इसी में आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं और वो सवाल हम आपको बना के दिखा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया? देखिए लिखने के बाद हम आपको पर्याप्त टाइम देते हैं कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करिए तुरंत। और अक्सर स्टूडेंट्स स्क्रीनशॉट लेना जानते हैं, जो नहीं जानते हैं वो ऊपर नंबर पर संपर्क करेंगे, उन्हें स्क्रीनशॉट लेना सिखा दिया जाएगा। लैपटॉप में भी हम आपको बताएंगे स्क्रीनशॉट लेना, कंप्यूटर में भी। इधर देखना, जैसे क्वेश्चन नंबर पहला हम यहाँ पर लिख रहे हैं, उसको ज़रा ध्यान से देखना, आप लोग नोट करो जल्दी से तुरंत। 3^5 × 1/(3^-5) का मान बताओ। देखिए बहुत अजीब सा सवाल है ना, इसमें क्या करते हैं, पहला जो लिखा गया नंबर उसको ऐसे लिख लेंगे इनटू, ये माइनस में है घात ना, ये ब्रैकेट जो है वो जो भी ये डिवाइड के रूप में है, फ्रैक्शन के रूप में, ये ख़त्म होगा। ये ऊपर जाएगा तो ये साधारण सा ऐसे हो जाएगा, ठीक? और कुल मिला करके फाइनल में 3^5 5 5 जुड़ के क्या हो जाएगी, 10। ये इसका उत्तर हो गया। इसी तरह का आप दूसरा भी सवाल कोई कर सकते हो, अगर कहीं पर आपको डरावने सवाल ऐसे मिल जाते हैं, ये देखो ये इधर ये, तो बहुत अजीब सा लगता है ना इसको हल करना, लेकिन बहुत आसान होता है। 2^7 × 2^3 होगा और फाइनल में 2^10 आएगा। बात समझ में आई ना? ये होते हैं घातांक वाले सवाल, जिसको देख करके आप हैरान परेशान हो जाते हो, ठीक ना?
नोट कर लीजिए, जल्दी करिए, हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया करिए तुरंत जब हम बोलते हैं रोक करके, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा टाइम देंगे तो गड़बड़ है। आगे देखना और भी सवाल लिखना, अभी दूसरी क्लास में कहा था उनका सारा सिस्टम क्लियर कर देंगे अगर कुछ बचेगा तो, नहीं तो एक ही क्लास में। नोट करो जल्दी से, 3 की घात 5 धन 3 की घात 7 और इंटू 2 की घात 3, अभी बताएंगे जोड़ने घटाने का नियम सारा, और फिर डिवाइड बाई 2 की घात 5 और फिर -1, इसका मान बताना हल करके, नहीं आएगा तो बताना। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, आप लोगों ने सुना होगा, ये तो नंबर वाले हो गए ना, अक्सर जो है हम लोग फंसते हैं कहाँ, जब हमें दिया हो चर पद वाले तो उसमें है ना। देखना ये भी अगर हम कर दें इसको 5, इसका मान बताना आप लोग हल करके, फिर हम देखते हैं और आपको आगे बताते हैं कुछ नेक्स्ट स्टेप। नहीं आएगा तो कमेंट करना ये सब सवाल, ठीक ना, कोशिश करना। देखिए साथियों, ये सवाल बड़े अजीब से होते हैं, इनको ज़रा ध्यान से देखना, बड़े अजीब से हैं ना ये, है ना, तो इनको कैसे करते हैं देखिएगा। माइनस वाले हैं कुछ, कुछ जीरो घात वाले हैं, इनमें थोड़ा सा अंतर होता है। देखिए अगर किसी भी नंबर में, यानी कि जैसे -1 की पावर कोई होती है, अगर उसकी घात विषम है तो उसका मान जो आता है वो -1 आता है, अगर उसकी घात सम है तो उसका उत्तर +1 आता है, यानी कि फाइनल में आएगा तो 1 ही आएगा, घात चाहे जितनी बड़ी हो, क्योंकि 1 को चाहे जितना बार गुणा करोगे 1 आता है ना, तो घात चाहे जितनी बड़ी हो, जैसे -1 की घात हमने लिख दिया 1099, तब भी इसका मान -1 आएगा, ठीक है, और अगर -1 की घात हमने 19 लिख दिया तब भी इसका मान -1 आएगा, मतलब अगर 1 की घात कितनी भी लगाओगे वो 1 ही आएगा लास्ट में। ये बहुत बड़ा फीचर है इसका। अगर 0 किसी का घात लगा है उसका मान 1 होता है, क्या होगा 1 होगा, इसका मान 9 आएगा, कैसे, ये तो 1 हो जाएगा, ओ सॉरी 9 नहीं 10 हो जाएगा, हाँ ये 1 हो जाएगा और ये 9, 9 1 क्या हो जाएगा 10। नोट कर लीजिए जल्दी से, स्क्रीनशॉट लीजिए, हो गया, आगे चले। अब आप लोग खुद से बताओगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए तुरंत, जब बोलें तो तुरंत, देर मत किया करिए। देखिए अगर आप लोग कोशिश करोगे ना तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। और हाँ, अब आप पेड वाली क्लास को फ्री में पढ़ सकते हो, फेसबुक पेज पर PVR स्टडी सर्च करना है, कहाँ पर, अपना फेसबुक लॉगिन करना है, जहाँ पर फ्रेंड ढूंढते हैं वहाँ पर आपको ढूंढना है PVR स्टडी, एक पेज आएगा उसको लाइक करके फॉलो कर लेना है, वहाँ पर आपको बहुत सारे वीडियोज़ मिलेंगे, लाइव सेशन भी मिलेगा, अन्य अपडेट भी मिलती रहेंगी। तो इस टाइप का कुछ होमवर्क लिख लो जल्दी से, सवाल नंबर 1, 3 to the power 5 डिवाइड बाई 3 to the power 1 2 और 3 to the power 0। क्वेश्चन नंबर दूसरा, -1 का पावर 177 और प्लस ये -1। अजीब से सवाल हैं जी ये, लेकिन अगर इसको कर ले जाओगे ना तो DL Ed में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो आपको फेल कर देगा, हाँ इस बात को याद रखना, कोई ऐसा नहीं जो आपको फेल कर देगा, इसका मतलब समझ रहे हो क्या आएगा, कोशिश करना, जिसको ना आएगा वो कमेंट करके बताएगा। जो लोग क्लास को ज्वाइन किए हैं वो अपने सवालों को पूछ सकते हैं डायरेक्ट, अगर हमें भेजेंगे तो उनके सवाल हल किए जाएंगे। हो गया, नोट हो गया, 5 सवाल है ये, जल्दी करिए तुरंत, फास्ट बहुत जल्दी किया करिए, वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। देखिए क्लास 10-15 मिनट की होगी, भले 20 मिनट आधा घंटा की हो, लेकिन उसमें कॉन्सेप्ट इतना होता है ना कि आप उसको पढ़ने के बाद 2 घंटा पढ़ोगे तब जाके पूरा होगा, इतना काम बता देंगे हम आपको। ये मत सोचना कि 10-15 मिनट की क्लास है 20 मिनट की। इन सवालों को भी नोट करिए, आधार तथा घातांक, इसमें सवाल देखना, आधार 4 तथा घातांक 5 का घातीय संकेतन क्या होगा। देखो भाई, आधार वो होता है जो नंबर पहले लिखा जाता है, करा आधार 4 मतलब ये 4 हो गया, तथा घातांक 5, घातांक 5 मतलब उसके ऊपर जो चुर्की लगती है, बस हो गया इसका घातीय संकेतन 4 की घात 5।
पाँच की घात चार तथा पाँच की घात दो का आधार पाँच पर घातीय संकेतन बताओ, बताइए। ये तो दिया है आधार पाँच पर घातीय संकेतन पूछ रहा फाइनल में, यानी कि क्या करोगे इस पर? तथा नहीं होना चाहिए, यहाँ पर प्लस होना चाहिए तब मज़ा आएगा। प्लस हो या गुणा हो कुछ भी ना, कुछ होना चाहिए ना। वैसे गुणा का चिन्ह आपको दिया होगा एग्जाम में, ये सवाल हमें वैसे मिल गया फोकट में, तो मैंने सोचा लिख देते हैं। तो ये गुणा करने पे क्या होता है, घातें जुड़ जाती हैं, तो पाँच की घात क्या हो जाएगा, ये तो नाइन ऐसे रहेगा जो है, ये चार में दो जुड़ेगा छः, पाँच की घात छः इसका आंसर आएगा। समझ गए ना, अगर यहाँ पर प्लस होगा तो अलग चीज़ होगा, माइनस होगा गुणा होगा, जैसे जो भी चिन्ह होगा उस हिसाब से चलेंगे। इसका मान पूछा है, ज़रा ध्यान से देखो, सभी घातें क्या विषम हैं, यानी माइनस वन आएगा इसका आंसर, फिर प्लस इसका माइनस वन आएगा, प्लस इसका माइनस वन आएगा। हल करोगे माइनस वन माइनस वन माइनस वन, माइनस माइनस जोड़ोगे माइनस में तीन आएगा, ये इसका रियल में आंसर हुआ। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट करिए तुरंत, हो गया। हाँ तो अभी देखना, भागना मत, अभी बहुत कुछ बचा हुआ है यहाँ पर, आप लोग ऊब जाओगे 15 मिनट में, गारंटी हमारी है, क्योंकि इतना सारा सवाल करवा देंगे ना कि ज़िंदगी में कभी भूलोगे नहीं घातांक, ज़िंदगी में कभी ना भूलोगे। और साइंस पढ़ने के लिए इजी डेरिवेशन चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साइंस इजी EAISY, ठीक है, आप लोग इस पे ही जानते होंगे ना, इजी डेरिवेशन, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, सर्च करिएगा यूट्यूब पर मिल जाएगा, नहीं तो बताना आपको भेज दिया जाएगा। डिस्क्रिप्शन देख लेना, वहाँ पर नाम दिया होगा। अगला क्वेश्चन नोट करो जल्दी से, अगला क्वेश्चन है आपका तीन की घाते अजीब सा है ये, एक बटा दो और फिर भाग है तीन की घाते एक बटा चार, मान बताओ जल्दी से बताना, आ जाएगा ना, जो सवाल ना आएगा बताना, उसको हल किया जाएगा, और क्लास को ज्वाइन करोगे तो सब बताया जाएगा। ये इसकी घात लगी है, ये 13 की घात जो है 1/7 है। क्वेश्चन नंबर लिखते चलो फटाफट, ये 0 है घात और प्लस है ये 138 घात 1, कर लोगे ना सभी लोग, हल करना जरूर इन सभी सवालों को, नहीं आएगा तो तुरंत बताना, ये सब हम आपको बता देंगे, बस आपको कोशिश करना एक बार, आगे देखना, अभी और देखना, भागना मत। कुछ नए सवाल और भी नोट करिए, 3 की घात 0 और फिर प्लस 3 की घात -1 और प्लस 3 की घात -2, इन सभी के मान क्या आएंगे बताना ज़रा कोशिश करके। अरे जी इसका मान 1 हो जाएगा, इसका मान 3 की घात -1, अब आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि ये 1/3 रहा होगा, -1 कब होगी, जब ये 1/3 रहा होगा और फिर ये 1/3 की घात 2 रहा होगा, बस यही सब तो था, इसी को हल करना है, इसी को हल करना है, हल कर लोगे आ जाएगा 1+1/3+1/9 और फिर आपका आंसर आ जाएगा। इसको हल करोगे इसका मान 1 हो जाएगा फाइनल में, और ये ऊपर जाएगा 3 की घात 1 मतलब 3 हो जाएगा, 4 आ जाएगा। इसी तरह से इसको भी कर लेना, इसका मान कितना होगा, 4 की घात -4 ना, तो इसका मतलब ये जब आप इसको सिंपल में करोगे तो ये हो जाएगा 1/4 की पावर -4, नहीं ये प्लस हो जाएगा, चूँकि ये माइनस में है इसका मतलब ये ऐसे रहा होगा, ये 1/4 घात 4। और हाँ, PBR स्टडी के दूसरे चैनल मैथ आसान है तथा पार्टनर चैनल इजी डेरिवेशन को अवश्य सब्सक्राइब करें, यहाँ पर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट का साइंस इजी डेरिवेशन पर, और 0 लेवल बेसिक मैथ इजी डेरिवेशन के दूसरे चैनल यानी कि मैथ आसान है पर आपको उपलब्ध होंगी बिल्कुल फ्री। और देखिए साथियों, ये क्लास यहीं पर ख़त्म होगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप YouTube पर क्लास नहीं देख पा रहे हैं, कोई समस्या है, तो आप WhatsApp पे क्लास परचेज कर सकते हैं, मात्र 549 रुपये में पूरा कंप्लीट गणित आप पढ़ सकते हैं DLED थर्ड सेमेस्टर का, घर बैठे, आपको कोई टाइम का टेंशन नहीं होगा, कब देखें कैसे देखें, और कोई भी प्रकार का विशेष डाउट नहीं होगा, आपको डाउट भी क्लियर किया जाएगा, अगर कुछ नहीं आएगा फ़ोटो खींच के भेजेंगे सवाल का वो भी लगाया जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको सिर्फ एक बार 549 का पे करके ज्वाइन करना होगा। व्हाट्सएप नंबर पे आपको मैसेज कर देना है 9793488448 पर,
या फिर इंक्वायरी के लिए आप कॉल कर सकते हैं सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे के बीच में, और आप सारी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर आप 24 घंटे मैसेज कर सकते हैं चाहे जब, लेकिन व्हाट्सएप पर कॉल या वीडियो कॉल ना करें अन्यथा आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। व्हाट्सएप पर अपना नाम, जिले का नाम, राज्य एवं परीक्षा का नाम लिखकर भेजना होता है, उसके बाद आपको ऐड किया जाता है। और हाँ, जो लोग बिल्कुल 1 रुपया भी नहीं देना चाहते हैं मत दें, वो बिल्कुल फ्री में यूट्यूब पर देखें हमें PVR स्टडी को, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखें। यूट्यूब पर क्लास देखने का कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री है। अगर इस क्लास को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो यूट्यूब पर आकर के PVR स्टडी इलाहाबाद को सब्सक्राइब करके रखें। अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर जाएं और वहां पर PVR स्टडी लिख करके सर्च करें, जो पेज आएगा उसको लाइक करके फॉलो कर लीजिएगा, वहां पर आपको कंप्लीट सलूशन मिलेगा, बिल्कुल फ्री, टोटल फ्री। चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगली क्लास के लिए इंतज़ार करिएगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, इन्हीं उम्मीदों के साथ थैंक यू।